तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सब से गुप्ता के नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले कुछ बताया था कि शॉर्ट्स को लेकर के और YouTube चैनल को लेकर के YouTube ने एक ही बैड न्यूज दिया था और एक अच्छा भी न्यूज था। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करके बताने वाला हूँ। YouTube का वो अपडेट जो है फाइनली लॉन्च भी हो चुका है। अपडेट कौन था, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर देना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट्स का अपडेट आया था, शॉर्ट्स का अपडेट यही था कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो उसमें अगर आप लिंक वगैरह डालते हैं तो वो अनक्लिकेबल होगा, मतलब कि वो क्लिकेबल नहीं होगा। जब भी कोई सोचेगा मैं इस लिंक पर क्लिक करके उस लॉन्ग वीडियो को देख लूं या फिर कोई प्रोडक्ट वगैरह मैं परचेस कर लूं या फिर कोई कोर्स है मैं ज्वाइन कर लूं, तो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू जितने भी लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो सब अनक्लिकेबल ही होगा। इसमें शॉर्ट्स क्रिएटर का जो है घाटा हो रहा था। बट दोस्तों, वहां पर YouTube ने एक और भी बात बता दिया कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो जिससे भी थोड़ा मिलता जुलता वीडियो है, मान लीजिए किसी का आपने वीडियो उठाया, वहां पर वॉइस ओवर किया वगैरह वगैरह फैक्ट्री के थ्रू या फिर किसी से मिलता जुलता वीडियो बना दिया उसी में से क्लिप वगैरह लेकर के, तो फिर आप वहां पर उस वीडियो को मेंशन कर सकते हैं, नीचे उस वीडियो को दिखाई देगा। मतलब कि यहां पर आप देखते हैं जैसे कि ये शॉर्ट्स वीडियो है तो वहां पर आप लॉन्ग वीडियो को भी मेंशन कर सकते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। जान लीजिए ऐसे कि जैसे आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, लॉन्ग क्रिएटर भी हैं, तो आप अपने वहां लॉन्ग वीडियो को प्रमोशन कर सकते हैं शॉर्ट्स के थ्रू। ये चीज तो हो गया, जहां पर पहले आप लिंक लगा करके प्रमोशन करते थे, अब वहीं पर आप मेंशन करके प्रमोशन कर सकते हैं, वहां पर आपका वीडियो जो है नीचे शो हो जाएगा। और दोस्तों, जो दूसरा अपडेट था YouTube चैनल को लेकर के, आपको मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ और मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद मैं फाइनली अपने चैनल को सर्च करता हूँ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी जीमेल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, ये अभी मेरा नया फोन है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अपने चैनल का नाम। मैंने चैनल का नाम सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद साहब से गुप्ता, और मैं चैनल में जाता हूँ। चैनल में जाने के बाद आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पे लिंक सभी शो होते थे ऊपर डैशबोर्ड्स में ही आपके प्रोफाइल पर, वैसे ही होम पेज पर भी आपका सब कुछ शो हो रहा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 लिंक दिखाई दे रहा है एंड 3 मोर लिंक्स। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि मतलब कि मेरा जो एक ये तो मेन चैनल का ही है साहब से गुप्ता, और इसके बाद इंस्टाग्राम का ये लिंक है और इसके बाद कॉमेडी चैनल का वीडियो है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे एफबी पेज मेरा कि मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर मैंने ये 3 लिंक लगा करके रखा हूँ। और भी ऐड कर सकता हूँ, और भी अगर ऐड करना चाहूँ तो और भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें बता, तो इसमें लिंक वगैरह कैसे ऐड किया जाता है मैं सब कुछ स्टेप बाई स्टेप आपको बता दूंगा। सो यही था अपडेट दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।